अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपको व्लॉग में खुशामदीद कैसे कह रही हूँ, जी हाँ, अंधेरे में सिर्फ एक मेरे चेहरे पर जो है ना वो लाइट पड़ रही है, वो भी आपके सामने। क्यों जी भाई, लाइट नहीं है, सुबह से लाइट गई हुई है। और ये टाइम हो गया, सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई है और अब बज रहे हैं शाम के 6, और बल्कि 6:15 हो चुके हैं। अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है कि लाइट कब आएगी। तो मगरिब भी हो चुकी है, चाय मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने और अंधेरे में, और साथ साथ जो है वो दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत अच्छे कर दे, और साथ साथ कराची के भी, क्योंकि कराची का भी बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। ना लाइट का पता, बिल उतने ही आएंगे, बिल में कमी नहीं होगी, बिल वैसे ही के वैसे आएंगे। बस जो है वो लाइटें जो है हर हफ्ते मेंटेनेंस का काम होने लगता है, हर हफ्ते जो है ना कुछ लाइट का मामले चलते रहते हैं। अब तो खैर सर्दियों में भी मौसम हालांकि चेंज हो चुका है, लेकिन जो है वो सर्दियों में भी लाइट नहीं है। बहरहाल चले, बैठे हुए हैं अंधेरे में, वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। उसके साथ साथ जो है वो आज रैयान की बर्थडे भी है, तो वो कैसे सेलिब्रेट होगी भाई, अंधेरा कब हो रहा है। हमने कहा छोटी मोटी तो सेलिब्रेट कर ही लेंगे घर ही घर में, ताकि हमारे जो है वो बच्चा खुश हो जाए। ये रैयान के लिए, उनको सरप्राइज़ देने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया था, उनको चाहिए थी डायरी। तो उन्होंने कहा मम्मा मुझे डायरी चाहिए, तो मैं जो है वो उनको बगैर बताए उनसे डायरी ली और उनका गिफ्ट जो है ना वो पैक करवाया आयान से। पैक कर रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे। अच्छा, रैयान अभी मौजूद नहीं है इसलिए उनके सामने ये काम नहीं हो रहा है, वो गए हुए हैं सिपारा पढ़ने। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, और अयान भी जो है ना खुद अपनी पॉकेट मनी जमा करके जो है ना उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया, उन्होंने भी जो है वो पैक करके चुपके से रख दिया है। रैयान को बिल्कुल भी नहीं पता कि उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। ये देखिए भाई, फाइनली वाओ, कितना प्यारा प्यारा जो है वो इनके गिफ्ट भी आ गए। ये अयान ने जो है वो अपने पैसों से लिया है, अपनी पॉकेट मनी जमा करके, फ्रॉम अयान उमर एंड मम्मा, मम्मा नहीं आप ही हैं। और ये जो है वो मैंने लिया, तो ये भाई बच्चों की तरफ से ही हो। ये देखिए इतना खूबसूरत सा ये फ्रेम, हैप्पी बर्थडे रैयान, ये अयान ने लिखा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये रैयान के लिए। वैसे तो ये फोटो फ्रेम है अपनी जो है वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, पिक्चर जो है यहाँ पे अपनी पिक्चर, तो पहले हैप्पी बर्थडे रैयान लिखा है फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा ली, तो ये भी बहुत प्यारे चीजें लग रही हैं। ये नहीं करो, लाइट तो है नहीं, देखो कितना अंधेरा हो रहा है ना। क्यों नहीं, कौन सी लाइट के बाद क्या करना है तुम्हें, ऐसा लाइट है ही नहीं, कौन सी बर्थडे है ना, कोई हमने गिफ्ट भी नहीं लिया, हमने तो केक भी नहीं लिया। लाइट के बाद क्या करोगे, डांस करोगे? नहीं लाइट के बाद। अच्छा देखते हैं लाइट आती है, और अगर रात में पूरी रात लाइट नहीं आई फिर क्या करेंगे आप? कल करेंगे सेलिब्रेट करनी है, छोड़ो बेकार में, बर्थडे तो आती रहती है, बेकार है छोड़ो, बेकार है बर्थडे का क्या, एक साल काम हो गया, छोड़ो बेकार नहीं ना। मम्मा का पेट है शरारा। आज मनाते क्या करोगे तुम अंधेरे में, चुपन चुपाई खेल के मनाए हैं? चुपन चुपाई खेले नहीं।
लाइट आपके सामने, आपको बताया था कि लाइट जो है वो गई हुई थी और आई है 10 बजे लाइट आई है। बच्चों की जो बर्थडे थी वो बिल्कुल जो है ना, उसका जो फ्रेंड वगैरह जिसको आना था तो जाहिर सी बात है इतना टाइम हो गया वो आई नहीं सके, 10 बजे लाइट आई है। फिर हमने खाना खाया, तकरीबन हमें खाना खाते खाते अभी 12 बज चुके हैं, 12 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो हमने सोचा कि जल्दी से जो है वो इनसे केक कटवा लेते हैं और इनका जो सरप्राइज जो हमने थोड़ा बहुत अरेंज किया था तो वो भी जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और रैयान को भी बताते हैं, रैयान को बिल्कुल नहीं पता कि हमने जो है वो उसको छोटी सी सरप्राइज जो है वो हमने अरेंज किया है ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं और यही छोटी छोटी खुशियां हैं। तो क्या किया इनके भाई ने, ये देखें ये बर्थडे का ये बैनर लगाया है, ये लगाया, उसके अलावा यहाँ पे बलून्स लगा दिए, एक ये पीछे बलून लगा हुआ है और इनके पापा जो है ये केक लिया है हैप्पी बर्थडे का, तो ये केक लिया है। अभी हम रैयान को बुलाते हैं और उसको दिखाते हैं, अभी रैयान को बिल्कुल नहीं पता कि हमने जो है वो यहाँ पे सजाए हुए। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। होए होए खड़े हैं ना यहीं पे, 1 2 3 फ्लावर। कैसा लगा? अच्छा। आपको सरप्राइज अच्छा लगा? अच्छा लगा। बैठो, बैठिए सर, सीट पे बैठिए। और वो का है इसके सर, सर वो लेकर आओ कैप, हेड जो है नहीं पंखा ही हो गया। ये भाई आपका आ गया केक, ये आपके गिफ्ट, ये भाई ने बनाया है आयान भाई ने, जो आप जो है वो कह रहे थे कि सही तो कर दो। उय अल्लाह, अभी से बढ़िया। शायान भाई ने दिए, ये आयान भाई ने दिए और ये मम्मा ने दिया, ये ले। और बाबा केक लेकर आए थे आपके। चलो जी काटो। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रैयान, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे तो जी आपको कैसा लगा ये सरप्राइज जरूर बताइएगा, बच्चे की बर्थडे जो है वो कैसी लगी, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस मेरी इसी तरह आप लोगों को मिल सके। बच्चों का ये है कि छोटी मोटी जो है वो इसी तरह इनकी खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करनी चाहिए, इससे ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं और आपके जो है वो अटैच रहते हैं बच्चों के, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा जो बच्चों को कौन समझ सकता है या जान सकता है या मोहब्बत कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उनका, मेरा मकसद ये था उनको उस टाइम पर उन्होंने अपना गिफ्ट मांगा तो मैंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि ये मैं इनको एज अ सरप्राइज इनकी बर्थडे पर गिफ्ट दूंगी। तो अब जो इनके एक्सप्रेशन थे, इनके जो चेहरे पे खुशी थी वो आप देख सकते हैं, वो बयान से बाहर होती है कि कितना खुश होते हैं कि देखिए मम्मा ने मेरी जो है वो ये ख्वाहिश पूरी की या बाबा ने मेरी ख्वाहिश, देखिए मेरी बर्थडे सरप्राइज। हालांकि छोटी छोटी सी खुशियां हैं लेकिन बच्चों के लिए जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ये बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने जो है ये आपस में, हम लोग आपस में इसी तरह करते रहते हैं, जिस तरह अयान को मैंने सरप्राइज़ दिया इसी तरह अयान ने रैयान को सरप्राइज़ दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतें कायम और दायम रखे, इसी तरह सब बहन भाइयों में आपस में मोहब्बतें रहें
और इसी तरह खुशियां जो है वो मनाते रहे हैं माशाल्लाह से। और आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो जब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।